Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये बात तो सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त एक पेंडेमिक से गुजर रही है। फिर चाहे कोई अमीर मुल्क हो या गरीब, सभी कोरोना से काफी मुतासिर हैं। और इस पेंडेमिक में अगर कोई एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है तो वो चीज है एक सांस। हमारा आज का सफर इस्लामाबाद से हरिपुर तक का था, जहाँ पर हम एक तारीखी इवेंट की कवरेज करने आए हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर से। और यहाँ आने का मकसद यही था कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस को समझ सकें। कुछ अरसा पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक पेंडेमिक हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन आज ये सच हमें बार बार इस चीज का एहसास दिला रहा है कि हम इमॉर्टल नहीं है। कोरोना के केस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और मजीद सिम्टम्स बिगड़ने की वजह से पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उनको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क में 20,000 वेंटिलेटर्स हैं और वायरस के फैलने की वजह से 20 लाख लोग इफेक्ट होते हैं, जिनमें से 2% यानी कि 40,000 लोगों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि 20,000 लोगों को तो वेंटिलेटर की सहूलत मिल जाएगी, लेकिन 20,000 के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज एक मेजर इशू बना हुआ है, और अगर इस पर फौरी तौर पर काम ना किया गया तो वी वुड नॉट इवन नो व्हाट हिट अस। हम हरिपुर महज एक इवेंट अटेंड करने नहीं गए थे, हम वहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट बनने गए थे, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल होने जा रहा है जो कि अपने वेंटिलेटर्स खुद बनाते हैं। ये बेसिकली इनका प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन से लेकर टेस्टिंग तक सारी सहूलियात मौजूद है। तो बेसिकली ये इस बिल्डिंग का हार्ट है जहाँ पे वेंटिलेटर्स बनते हैं। क्योंकि NRTC 54 ईयर से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है और वेंटिलेटर भी इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है, उस सिस्टम में NRTC ने 2-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इख्तियार की। उसमें एक स्ट्रेटजी में इस तरह था कि एक तो इंडिजिनस अपने डिजाइन पे काम शुरू कर दिया, डिजाइन थोड़ा सा टाइम लेता है, साथ इसका मल्टी हमने ये किया कि हम अपने टर्किश एक कंपनी थी कैरल, जिसके साथ हमने मिल के अंडर लाइसेंस जो ऑलरेडी अप्रूव्ड था FDA और CE अप्रूव्ड था, जो क्योंकि ये इंतहाई सेंसिटिव इक्विपमेंट है सर, इट्स अ लाइफ सेविंग डिवाइस, तो इसमें किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, उनके साथ बातचीत की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे आया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग काउंसिल ने पूरा एक बहुत बड़ा पैनल था एक्सपर्ट्स का, जिसने आके हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एवेल्युएट किया और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी एवेल्युएट किया, और दे डिक्लेयर दैट दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज कम्पेयर्ड इफ नॉट द बेस्ट कैन बी कम्पेयर टू एनी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये उस मयार के मुताबिक है जिस पे वेंटिलेटर को बनना चाहिए। इस तरह हमने ये वेंटिलेटर यहाँ पे तैयार करने शुरू कर दी। कहने को वेंटिलेटर्स एक ऐसी मशीन है जो कि किसी ऐसे शख्स को सांस लेने में मदद करती है जो खुद सांस ना ले सके, लेकिन अगर इस मशीन की प्रोडक्शन इतनी ही आसान होती तो आज दुनिया का हर मुल्क अपने वेंटिलेटर्स खुद बना रहा होता और कहीं पर भी इसकी शॉर्टेज ना होती। मिसाल के तौर पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटीज़ के मुताबिक अमेरिका में टोटल 1,60,000 वेंटिलेटर्स हैं, और अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की वजह से तकरीबन 1 मिलियन अमेरिकन को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बात तो साफ जाहिर है कि वेंटिलेटर्स का इशू कोई मामूली बात नहीं, और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। जो चीज एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के जखीरे बैठे हो तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हो सोना आपकी जमीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कांगो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजेरिया एक बड़ा एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज ऊपर लेके जाती है वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सेल्फ बिलीफ। इस एफर्ट का जो असल फ़ायदा ये होगा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री की बुनियाद जो है वो रखी जाएगी।
कि हम एक SEZ डेवलप करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करेंगे सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, और उससे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है जिसकी बुनियाद इंशाल्लाह जो है वो रखी जाएगी। और मैं आप लोगों के तवज्जो से ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हम पाकिस्तानियों की हमेशा यही खासियत रही है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त आया है तो हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर उस मुसीबत का सामना करते हैं, और यही चीज़ हमें इस पेंडेमिक में भी नजर आई। हुकूमत के साथ साथ सारी आवाम भी दिन रात कोरोना के खिलाफ मेहनत कर रही है। फूड ड्राइव, राशन सप्लाईज और चैरिटी जैसे हर पहलू में तमाम शहरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं या एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, और ये यकजहती ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकालेगी। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन हम सब ने एक दूसरे के साथ खड़े होना है, और अगर इस सारी सिचुएशन में कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें और तमाम SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारी छोटी सी एहतियात बहुत से पाकिस्तानियों को उनकी आखिरी सांस लेने से बचा सकती है।